तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। और इस वक्त हम आए हाउसिंग बोर्ड एरिया में और यहाँ पर मॉनिटर लिजर्ड है, तो चलिए देखते हैं। पानी तो बहुत है इसमें, पानी तो कम से कम 5 फीट और होगा। पूरी सीढ़ी बाहर करिए आप जरा। अरे देख लो सीढ़ी कितनी गहरी है, इतना पानी है इसके अंदर। ये है ना 4.5 फीट तो है पानी। नहीं तो ये अंदर फिर सांस कैसे ले रहा होगा पानी में? मछली भी तो रहती है पानी में। सर देखिए ऐसा है, मैं आपको इसका डिटेल देता हूँ। एक्चुअल में ये जो है ना, ये पानी के अंदर 30 मिनट से 40 मिनट तक अपने सांस रोक सकता है। जी बिल्कुल। इतना बड़ा है? इतना बड़ा है, ठीक है ठीक है। एक चीज आप पकड़ने आए ना जी, आपको डर नहीं लगता? हाँ जी। क्यों नहीं लगता सर? क्या है कि आप भी तो इंसान हो। हाँ है ना, हम सब डर रहे, आप क्यों नहीं डरते? इसका इसके पीछे रीजन क्या है कि सुनना ध्यान से, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि एक तो पहली बात तो जहरीला नहीं होता। राइट, बस बस हो गई बात, यही इनको बताना चाह रहा था सबको जो है। तो दोस्तों फाइनली अभी इसके अंदर जो है मॉनिटर लिजर्ड है और उसे सर्च किया जा रहा है। आज हमारे पांचाल सर जो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है हमें मॉनिटर लिजर्ड दिख चुकी है और आप देखें अच्छी, काफ़ी अच्छी साइज़ में है। तो अब इसको कोशिश करते हैं नीचे उतर के पकड़ने की। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ में ये मॉनिटर लिजर्ड, और बाहर काफ़ी बारिश भी हो रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और वाटर टैंक के अंदर जो है ये मॉनिटर लिजर्ड जो है गिरी हुई है, और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमें जो है इसकी विजिबिलिटी मिली है। तो थोड़ा सा पानी और खाली होने देते हैं, उसके बाद इसमें उतरा जाएगा और इसको जो है कैच किया जाएगा। वापस अंदर चली जाएगी। अभी वो हमारे सामने दिख रहा था और सर को देखते ही शायद वो वापस शर्मा गया है। बर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, टॉर्च बताना। पर हम ऊपर आ जाए बस। तो फाइनली दोस्तों इस मॉनिटर लिजर्ड को आप देख सकते हैं, काफी अच्छी, काफी बड़ी साइज में, और
लोगों को काफ़ी डर लगता है इससे, और बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, तो कोशिश करेंगे पहले इसको किसी बैग में करने की, क्योंकि जार के अंदर ही आ नहीं सकता, तो काफ़ी बड़ी साइज में। तो दोस्तों आप देखिए काफ़ी बड़ी साइज में मॉनिटर लिज़र्ड, और लोगों को काफ़ी डर लगता है इस जीव से। और ऐसा समझा जाता है कि ये काफ़ी जहरीला और काफ़ी विषैला होता है, पर ये इंसानों को देखकर जो है भागने की कोशिश करते हैं, डरते हैं काफ़ी। वो काटता ही नहीं, पकड़ो। हाँ पकड़ो पकड़ो, डर के छोड़ दो नहीं। मैं तो देखो इतने पास में उसके, मुझे तो काट सकता, फूंक मार सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये देखो इसकी ज़्यादातर कोशिश जो होती है ना वो भागने की होती है, हम इंसानों से डरता है, तो यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसको पूरा देखिए, वो काफ़ी बड़ी साइज़ में, बहुत अच्छी साइज़ में हमको ये मॉनिटर लिज़र्ड मिली। हिंदी में हमारे यहाँ गोयरा, चंदन गोयरा, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से फेमस है, विश खोपड़ा, घोरपड़, पाटला गो। तो दोस्तों आपको फिर से बता दें मॉनिटर लिज़र्ड, और एक बार फिर बता दें कि हमारे पांचाल सर हमारे साथ, और काफ़ी अच्छा काम, नेक काम, दिन रात ये भी लगे रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात, और बस इसी तरह हम सब लोग जो है इन बेजुबान जीवों की जान बचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों एक बार और आपको पास से दिखाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो तकरीबन हमको रुकना यहीं है, तो इसलिए एक बार आपको क्लोज एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके पंजों को, इसके क्लॉज, इसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी पहने होते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ लगाओ, हाथ लगाओ, बिल्कुल लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा हरिओम जी नाम है। तो देखिए हरिओम जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक ये सुनते आए थे कि इसमें काफ़ी जहर होता है, जहर होता है, लेकिन अब आपको क्या फील हो रहा है? मेरे को ये फील हो रहा है बहुत ही अच्छा जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब जानवर होता है, ऐसे ये किसी को काटते भी नहीं है, ना ही किसी के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपकी आप मेरे ख्याल से भ्रांति काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। जी जी बिल्कुल हो चुकी है पूरी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, आप देखना चाहे देख रहे हो, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, बिल्कुल पहली बार इसको टच किया है मैंने। जी बिल्कुल एकदम, बहुत ही अच्छा है। लगा तो दोस्तों कहीं भी मिल जाएगा तो उसको मारे ना। तो दोस्तों पहली बार हमने जो है जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में इस मॉनिटर लिज़र्ड को दिया है, और हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये जो जीव होता है वो विषैला या जहरीला नहीं होता, लेकिन इसका एक डर बना हुआ है काफ़ी, और उस डर की वजह से जो है लोग इसको मारते हैं। आज अमित सर के सानिध्य में एक ये बहुत ही मेहनत, बहुत ही समय लगा इसको रेस्क्यू करने में, करीब हमें 2 घंटे हो गए हैं, और सर ने काफ़ी मेहनत के बाद में इसको एक टैंक से रेस्क्यू किया है, और हमें बहुत खुशी होती है कि सर ने जो एक बीड़ा उठाया है वन्य प्राणियों को बचाने का, तो ऐसा ही हमेशा उनका सहयोग मुझे मिलता रहे, और सर हमेशा ऐसे ही काम करते रहें, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपना कीमती समय भी हमारे साथ दिया। और दोस्तों देखिए आप, काफ़ी काफ़ी विषैला समझा जाने वाला ये जीव, बेजुबान, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए अभी बादल भी जो है गड़गड़ाहट हो रही है, अब देखते हैं कि आकाशीय बिजली गिरती है या नहीं। सुमन जी दुबे के मकान से हमने आज ये रेस्क्यू किया है, और ये काफ़ी बड़ी साइज का है, और इनके मन में भी एक डर था कि ये एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर ठेकेदार जी का कहना था कि इसको मार दिया जाए, पर ऐसा नहीं है, ये वन्य प्राणी है, और हमारे अमित सर हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे काम के लिए। आप कभी भी ऐसा अगर
कहीं कुछ आपको वन्य प्राणी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप उनको तुरंत कॉल कीजिए, वो तुरंत आपके एक कॉल पर 5-10 मिनट में आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि वन्य प्राणियों को बचाना है और हमें इनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है, ना कि इनको मारना है। धन्यवाद। आकाश जी हैं और ये भी काफ़ी डरे हुए थे पहले, लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और बस दोस्तों हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से लोगों का डर बाहर आए। ये देखो काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाड़ी कैसे बोतल पड़ा? गाड़ी पर बोतल लानी? हाँ वो पड़ी। हेलो, यहाँ बोतल ले आओ। तो दोस्तों करते हैं इसको जार के अंदर। आइए अब हम इसे जार में आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा अभी। तो दोस्तों अभी मजबूरन हमें इसको इस जार के अंदर करना पड़ा क्योंकि प्लास्टिक के बैग में हम रख नहीं सकते, काफ़ी बारिश हो रही है और हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए, तो इसलिए हमने इस जार के अंदर किया। थोड़ा सा कंजस्टेड जरूर लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे ही बारिश रुकेगी हम इसको तुरंत जो है मुक्त करेंगे क्योंकि हम किसी भी जीव को परेशान नहीं करते और जल्दी से जल्दी वापस प्रकृति में मुक्त करते हैं। क्योंकि अभी अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइड है यहाँ पर अगर इसको किसी प्लास्टिक के बैग में डालता तो शायद इसको ऑक्सीजन का या एयर का जो फ्लो है वो नहीं बनता, इसलिए इसको जार में किया गया। जो है बारिश अभी रुक गई है तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं और काफ़ी सारी हमने आपको इसकी जानकारी दे दी है तो चलिए इसको करते हैं आज़ाद। दोस्तों उसको सेफ जगह दे दी गई है और चूंकि बारिश है तो ये झाड़ियों के अंदर जो है ये सुरक्षित रहेगा और कुछ ही दूरी पर पानी का स्रोत है तो ये वहाँ पर चला जाएगा और सेफ रहेगा।